बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स की वी हैव डिस्कस फ्यूचर्स हमने कहा था इसकी एग्जाम्पल्स हम थोड़ा सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे तो इट्स जस्ट टू हैव अ मोर लर्निंग कर्व ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाई और सेल एग्रीड अपॉन क्वानिटीज एट एन अंडरलाइन एन अंडरलाइन एसड एट असिफाइड डेट कि इस डेट पर और इस रेट पर हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे एट सम फ्यूचर डेट ये इसकी हमने डिटेल की बात की हुई थी अब आज हम थोड़ी इसकी फर्दर एग्जांपल्स को रूट करेंगे सो ऑइल द प्राइस ऑफ ऑयल करेंटली इज़ फिफ्टी डॉलर लेट से आजकल ऑयल की प्राइस है फिफ्टी डॉलर एंड इफ़ यू थिंक प्राइस विल इंक्रीज़ तो अब इसका मतलब है अगर आप रेगुलर बायर हैं तो यू विल बी इम्पेक्टेड ग्रेटली या तो आप सारा ऑयल ले रख लें और उसको स्टोर करें हम ताकि फ्यूचर की आपको कॉस्ट ना पड़े

इफ़ यू वॉच द न्यूज़ यू लाइकली टू हेयर अबाउट द प्राइस ऑयल गोइंग अप एंड डाउन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं और मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड फ्यूचर कमोडिटी ऑयल ही है क्योंकि सारों का जो एक रॉ मटीरियल है फॉर मैनी इंडस्ट्रीज इज़ द ऑयल तो वो और कंट्री की यूटिलाइजेशन भी इन्हीं पर ज़्यादा हो रही होती हैं तो सिंस ऑयल एंड गैस इज सच जो यूज एक्सपेंस उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट का एक मेजर हिस्सा ऑयल होता है तो दे आर वेरी कंसर्न वो अनप्रडिक्टबिलिटी को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते दे वॉन्ट समथिंग मोर स्टैंडर्डाइज इन दिस रिस्पेक्ट तो वो क्या करते हैं फ्यूचर्स को बाय कर लेते हैं और अपनी पोजिशन को लॉक कर लेते हैं ताकि राइजिंग प्राइस से उनको इम्पैक्ट ना हो तो दिस इज प्रैक्टिस बींग डन वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बॉड और सोल्ड ऑन प्रैक्टिकली एनी कमोडिटी और फाइनेंशियल किसी भी कमोडिटी पे फ्यूचर्स हो सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे फ्यूचर्स किए जा सकते हैं तो फॉर एग्जांपल यू कैन हैव फ्यूचर्स ऑन कॉर्न सोयाबीन ऑयल गोल्ड स्टॉक मार्केट की इंडेक्स पे एस एंड पी फाइव हंड्रेड के एस सी इंटरेस्ट रेट्स पे यानी कि किसी भी अंडरलाइंग पे आपके फ्यूचर्स किए जा सकते हैं और नॉर्मली होते भी हैं कुछ पे ज़्यादा होंगे जिसपे नीड ज़्यादा है तो कुछ पे कम होंगे बट इट कैन बी डन ऑन मैनी रेंज ऑफ अंडरलाइंग एन एंड ऑयल प्रोड्यूसर नीड टू सेल ऑयल अब वो जो एक जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है या रिफाइन हो रहा है दे वॉन्ट टू सेल इट तो दे वॉन्ट टू इंश्योर कि वो उनकी एक प्राइसिंग अच्छी में बिक जाए तो वट दे डू इज़ दे वॉन्ट टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इट एट अ फ्यूचर डेट कि जब हमारे पास प्रोडक्शन आए तो हमारा एक एग्रीड रेट पे बिक गया हो इसी तरह बायर जो चाहेगा कि वो जो जिसने बाय करना है वो कहेगा कि मैं उसको अर्ली ले पे लॉक कर लूँ ताकि इट्स आई कैन नो वट इज़ माई कॉस्ट फॉर द फ्यूचर सिमिलरली मैनुफैक्चरिंग कंपनी में नीड ऑयल फॉर मार्क मेकिंग विजिट्स जो बनाने में जिस तरह ये अभी इनकी बात करें अगर इनको तो ऑयल चाहिए तो दे वॉन्ट टू प्लान हेड के हमें क्या तो वो क्या करते हैं थ्रू फ्यूचर्स ये अपने आप को लॉक कर लेते हैं और उनको पहले पता होता है कि हमारी नेक्स्ट में प्राइसिंग क्या होगी तो ये गुड विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए सेलर को भी पता लग गया मेरी प्राइस इतने के बिक गई बायर को भी पता लग गया मेरी इतनी हुई तो दोनों की अपनी पोजिशन लॉक हो गई वेल यू आर नूजिंग अ क्लियरिंग हाउस वेन यू साइन अ टू ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल फोन और अ केबल यह आपको हम एवरी डे की अगर एग्जाम्पल देते हैं जैसे आपने अपनी मोबाइल कंपनी से कहा हुआ कि मैं टू ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट लूँगा या आपने कोई केबल नेटवर्क लिया वर्ल्ड कॉल और एनी जिसमें आपने फिक्स कमिटमेंट कर दिया है तो बेसिकली आप एक फ़्यूचर ही कर रहे हैं कि आपने दो साल के लिए वर्ल्ड कॉल से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपकी दो साल केबल इस्तेमाल करूंगा इसलिए वो आपको हो सकता है कोई डिस्काउंट भी दे दें दे या शुरू में कोई डिवाइस फ्री दे दें सो दिस इज अ शॉर्ट और अ एवरी डे एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूचर विच वी डू इवन विदाउट कॉलिंग इट अ फ्यूचर एयरलाइन एग्जाम्पल हाईलाइट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एयरलाइंस में भी क्योंकि बहुत मेगा लेवल पर चीज़ें होती हैं तो वो कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है वो फिज़िकली सेटल्ड हों तम टाइम कैश सेटल्ड होती हैं कि हम कहते हैं अच्छा जी हमने लेना तो है एयरलाइन ने ऑयल लेना है लेकिन हम ऑयल तो जब जरूरत होगा तब लेते रहेंगे फ्यूचर से हम जो रेट्स में कैश सेटल कर देंगे यानी कि रेट अगर बढ़ गया होगा तो वहाँ हम ज़्यादा पैसे दे देंगे फ्यूचर वाला हमें कुछ पे कर देगा तो हमारी कॉस्ट एक्टिवली थोड़ी लो आ जाएगी तो हमारा गैप जो है वो कैप्चर हो जाएगा द डिफरेंस दैट वैन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फिजिकली सेटल्ड फिजिकली सेटल में होता क्या है कि आप एक्चुअली कमोडिटी देंगे जैसे अगर आपने ऑयल का फिजिकल कमोडिटी का प्रोडक्ट किया होगा तो एक्चुअली आपको ऑयल मिलेगा और आप एक्चुअल उसके पैसे देंगे और इट इज़ कैश सेटल्ड तो वो फिर उस केस में होगा कि आपको जो रेट्स के डिफरेंस हैं उसमें आपको गेन लॉस जो होगा यू विल गेट दैट डिफरेंशियल और फिर आप बाय स्पॉट मार्केट से कर रहे होंगे दे कैन बी बोथ वेज दोनों ऑप्शन चल रही होती हैं एंड बोथ आर एक्चुअली यूज तो यू यूज दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स और इसमें आप अपने माइंड से भी कुछ देखें कि जहाँ जहाँ पे फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है बिज़नेस एंटर इं टू फ्यूचर्स टू सेफ गार्ड देम सेल्फ थैंक यू